दोस्तों आमतौर पर जब किसी व्यक्ति का स्मार्टफोन चोरी या गुम हो जाता है तो वो केवल पुलिस में शिकायत दर्ज करके उसके बारे में भूल जाता है, मगर अब सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए आप अपने चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के समय में स्मार्टफोन में पर्सनल डाटा, नेट बैंकिंग, UPI जैसी कई जानकारी दर्ज होती है। ऐसे में फोन चोरी या गुम हो जाने की स्थिति में इन सभी को ब्लॉक करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए मोदी सरकार ने संचार साथी पोर्टल में 16 मई को लॉन्च किया है। दोस्तों 16 मई को संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के जरिए आप अपने खोए हुए मोबाइल नंबर को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप चोरी किए गए मोबाइल का इस्तेमाल करना आसान नहीं रहेगा। इस पोर्टल पर आप खोए हुए मोबाइल को आसानी से शिकायत दर्ज करा पाएंगे। इसके साथ ही उसे अब ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चोरी हुए मोबाइल के बारे में संचार साथी पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवाने पर मोबाइल ऑपरेटर को इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद उस मोबाइल के मिलने की खबर अपडेट होने के बाद इसे चालू किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए आपको ये भी पता चलेगा कि एक ID पर कुल कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं। चोरी किए गए मोबाइल को कैसे करें ब्लॉक? अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है और आपकी उसे दुरुपयोग से बचने के लिए ब्लॉक करना है तो स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाएं। इसमें सिट्रिजन सेंट्रिक सर्विस को चुनें। यहां आपको ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल का विकल्प दिखेगा, जिस पर क्लिक करें। इस ऑप्शन को चुनने के बाद ही आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको मोबाइल से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। आपको दोनों मोबाइल नंबर, 15 डिजिट का दोनों IMEI नंबर दर्ज करना होगा। इसके साथ ही आपको डिवाइस मॉडल और मोबाइल का इनवॉइस भी अपलोड करना होगा। फिर आपको मोबाइल खोने की तारीख, टाइम, जिला और राज्य की जानकारी भी फिल करनी होगी। इसके साथ ही आपको पुलिस में दर्ज की गई शिकायत नंबर, पुलिस स्टेशन का लोकेशन, राज्य और जिले के नाम भी दर्ज करने होंगे। पुलिस शिकायत की कॉपी अपलोड कर दे और यहाँ फिर अपनी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, एड्रेस, ईमेल जैसी सारी जानकारी दर्ज करें और आखिर में डिस्क्लेमर को चुने और फिर फॉर्म सबमिट कर दे। इस फॉर्म को जमा करने के बाद आपके फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसके जरिए आप फोन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करते वक्त IT, टेलीकॉम और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में डिजिटल इंडिया के मिशन को बढ़ाने और टेलीकॉम यूजर की सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने संचार सारथी पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए CEIR की शुरुआत की गई है। अब यूजर ये भी जान ले कि उनकी ID और नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड है। इसके अलावा ASTR यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके फर्जी यूजर को भी पहचान की जा सकेगी। पोर्टल के लॉन्च पर अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि कुल 40 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन की पहचान की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।